मिस्टर सॉरी मिस्टर की पूरी बार बोल रहे हैं बोल रहे हैं बेल रहे हैं है ना आप ही जाओ जब सो दीजिए ना उसको सर पीजिए ना आटा को बेल रही है और काट भी रही है इसे पीस पीस करके और ये रहा नीम की वेलकम बैक माय चैनल श्रीकास्ट आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे तो अभी मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हूँ वो आप लोग को आराम से बताऊंगी अभी पहले जा रही हूँ तो आप लोग वीडियो देखिए तो मैं बताऊंगी आप लोगों को रास्ते में चलते चलते और मैं तैयार हो गई हूँ हमारे साथ चल रहे हैं मिस्टर भगत और अभी 10:30 बजने वाले हैं ये रहा टाइम तो चलिए चलते हैं मुझे जाना है थोड़ा सा बता देती हूँ मुझे जाना है जो आपके एरिया में जो बैठती है मतलब लिखती है मतलब जो बच्चे को टीका वगैरह लगता है वो सब के लिए आराम से बाद में बताऊंगी मुझे पता है थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट्स दे दी मैंने चलो अभी निकल रहा है घर से हम लोग अपने पीछे वाला में जाएंगे गली गली जाएंगे हम लोग शॉर्टकट अपने घर के पीछे वाला रास्ता से आइए धीरे धीरे जल्दी आना भाई भूख जल्दी मतलब थोड़ा भी रुक करना था क्योंकि हम अभी तक नाश्ता नहीं किए हैं टाइम समय 10 होने वाला है और भूख भी लग गया हमको और अभी आधा घंटा लेट होगा ही होगा हमको पता है आइए तो आपको गर्मा गर्म पूरी ओके खाना कब खाइए नहीं खाएंगे जाओ आगे हमारा घर का पीछे का व्यू ये वाला आइए धीरे धीरे चलिए इधर चलना हाँ सटा चलो गली पहुँच गए आंगनबाड़ी केंद्र आसमा की ननद है तुम कौन है तो टेस्ट वेस्ट हो गया सब कंप्लीट जो भी टीकू करना था वैसे तो हम लोग यहाँ का दवा नहीं खा रहे हैं ये सरकारी दवा है आ गए घर सीटी ताला नहीं लगाएंगे खाली सटा देते हैं ऐसा फिनिशिंग हो गया है देख लीजिए इसको सटा देते हैं खाली लॉक हाँ तो हम लोग अभी आ गए घर और वो बोले अगले महीना फिर आने के लिए 6 तारीख को तो अगले महीना हम लोग फिर जाएंगे वहाँ पे आइए धीरे धीरे स्लोली हम बहुत पीछे माला जाना पड़ता है थोड़ा चढ़ाव भी उधर चढ़ाव भी है पहाड़ वाड़ है ना इसीलिए अभी नाश्ता करेंगे बहुत लेट हो गया तो हमारा बन रहा है अभी सुबह का नाश्ता पूड़ी और आलू दम काबी चना सब्जी तभी पूड़ी ये छानेंगे लोहिया कर रहा है 11 बजे आई घी का पूड़ी है और सब्जी ये रहा काबली चना का छोटा वाला दाना है बहुत अच्छा लगता है खाने में तो मिस्टर सीती पूड़ी बन रहे हैं हमारे लिए सॉरी मिस्टर की पूड़ी बन बोल रहे हैं बोल रहे हैं बेल रहे हैं नाश्ता नहीं किया ना इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है जल्दी हमारा प्लेट आ गया तो मेरा पूड़ी भी छन रहा है गर्मा गर्म घी का पूड़ी है मिश्री द्वारा छाना जा रहा है
पहले दो पीस निकल गया है तो हम चार पीस खाएंगे, इसीलिए चार पीस खाने जा रहे हैं। आप लोग ये लोग खा लिए सब लोग? हम पूरी नहीं खाए। नहीं खाए? खा लीजिए, रोटी था ना वही खा लिए, बाद में खाएं। ओके खा लो, मतलब चावल आज मन नहीं है तो पूरी। ज्यादा ऑयली मत कीजिएगा। क्या ऑयली ज्यादा? आपको तो दूसरा प्लेट में देंगे। तो हमारा ये रहा काबली चना, छोले चना काबली, जब सो दीजिए ना उसको सर्व कीजिए ना। पूड़ी काबली चना सब्जी हमको बहुत पसंद है भाई, डालिए महाराज थोड़ा थोड़ा सा डालिए। हे गाइस, तो आज मैं कहाँ गई थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत लोगों को तो पता चल ही गया है, जो सबके एरिया में जो नर्स वगैरह आती है, जो गवर्नमेंट के तरफ से आती है, कार्ड वगैरह बनाती है, जैसे जन्म जो होता है उसके बाद उसका सर्टिफिकेट वगैरह बनाती है, और कुछ ना कुछ सरकार के तरफ से मतलब बच्चों को टीका वगैरह लगता है, फिर कुछ ना कुछ मिलता है उसी के लिए, और ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, जैसे हमारे लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। तो अभी आजकल स्कूल वगैरह में एडमिशन में सब जगह वो सब लगता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है जन्म जो सर्टिफिकेट होता है वो वाला, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ा। तो मेरा मेडिसिन वगैरह तो सब कुछ बाहर से हो रहा है, और मैंने सिर्फ यहाँ पे जाके अपना नाम वगैरह लिखवा लिया था, और एक बुक है जो उन्होंने दिया है, तो वो हर महीना उनको फिल करना पड़ता है वो, तो इसीलिए जाना पड़ता है उनके पास। तो इसीलिए हर अगले महीने भी मैं गई थी, और इस महीना गई हूँ, और फिर अगले महीना भी जाना है। तो वही बीपी वगैरह चेक करती है, और फिर उनका जो प्रोसेस है वो अपना करती है, इसीलिए जाना पड़ता है। तो ज़रूरी है इसलिए जाती हूँ, इनके साथ अगले बार भी गई थी। हे गाइस, तो वहाँ से आकर फिर ना खाना वगैरह खा के, इसके बाद खाना वाना नाश्ता वगैरह हुआ, उसका सो गई थी, और अभी बज रहे हैं 5, चाय वगैरह बन गया है, और अभी मैं मतलब ये पहन ली हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ठंड लग रहा है इसीलिए, और अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड से बच के रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मुझे बहुत जल्द ही ठंड लग जाता है, पता नहीं आज गला थोड़ा ये भी हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा तो चाहो तो गर्म पानी ही पीना पड़ेगा, वो मेरे लिए बेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा अभी। तो अभी 5 बज रहे हैं, अभी मुझे बाल वगैरह बनाना है, और बहुत सारा मतलब छठ पूजा का मैदा वगैरह रखा हुआ है बहुत दिन से, तो वो सब रखा ही रह जाएगा घर पर, और इसीलिए सोच रही हूँ कि आज उसका कुछ बना लेती हूँ। तो चलिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मैदा रखा हुआ है, और फिर और मुझे थोड़ा थोड़ा काम है, घी वगैरह बनाना है तो कल बनाऊँगी, घी का जो ये मलाई होता है वो भी रखा हुआ है, तो पहले तैयार हो जाती इसके बाद फिर बनाऊँगी मैदा का, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मम्मी यहाँ पर बेल रही है धीरे धीरे, और यहाँ पर तेल हो रहा है गर्म, देखते हैं कैसा बनता है। आज से मैंने डाला है कलौंजी, इसके बाद अजवाइन और तेल वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। इधर बन रहा है खीर, क्योंकि दूध थोड़ा ज़्यादा था तो खीर बन रहा है। तेल गर्म होगा, तो यहाँ पे कटिंग हो रहा है अभी। हाँ वैसे ठीक है, जैसे भी काटे पेट में जाएगा। डिजाइन भी खोजता है अभी ना, बहुत डिजाइन का बनता है, एक समोसा टाइप का बनता है वो भी बनता है। तो यहाँ पे चला गया है तेल में नमकी, और ये थोड़ा सा हुआ है, और यहाँ पर कटिंग हो रहा है अभी। प्रीति मिल के बना रही है नीमकी, मम्मी अभी आटा को बेल रही है और काट भी रही है इसे पीस पीस करके, और ये रहा नीमकी घर का बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, अच्छा है, टेस्टी है, मीठा लेकिन कम है, और का मीठा रहता है अच्छा लगता। अच्छा लग रहा देखने में, सब छोट में रखा है। नीमकी बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, मतलब ज्यादा खास्ता भी नहीं है, कम भी नहीं है, अच्छा लग रहा है।
बाजार गोवा में बहुत। तो आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। खा लीजिए जल्दी। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग में। बाय।